नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा पर। एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना और उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई। लेकिन अपने सीमित कालखंड में इस विधानसभा ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं और इसकी सराहना पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हुआ। कई कानून बनाए जिसने इस राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये है छत्तीसगढ़। भारत का धान का कटोरा। दशकों से देश को खाद्य सुरक्षा दे रहा है। खनिज और वन संपदा में अग्रणी राज्य। आकार में यह दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से भी बड़ा है। इसके गौरवमय इतिहास की साक्षी हैं एक से एक शानदार धरोहरें। एक 135,191 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं। इसकी राजधानी रायपुर में है और हाई कोर्ट बिलासपुर में। इसे नया रूप देने में यहां की विधानसभा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने संसदीय कार्य के हिसाब से पूरे देश में एक अपनी विशिष्ट स्थान बनाया है। कई ऐसे नियम बनाए हैं जो अन्य विधानसभाओं में नहीं है। इस विधानसभा में कभी भी कोई भी बजट का अनुदान मांग जो है बिना चर्चा के गिलोटिन में कभी आज तक पास नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक मनोनीत एंग्लो इंडियन के साथ कुल 91 सदस्य हैं। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के 49 और कांग्रेस के 39 सदस्य हैं। विधायकों में 10 महिला सदस्यों के साथ करीब सभी शिक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम जी दास टंडन हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, नेता सदन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव। देश में ये सबसे अधिक कामकाज करने वाली विधानसभा है। मुझे गौरव होता है कि इस विधानसभा में मैं नेता के रूप में मुझे पिछले 13 साल में काम करने का मौका मिला। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका हो, विपक्ष के हमारे साथियों की भूमिका हो, हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ के निर्माण की सपना को, उस कल्पना को जो 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड और उत्तराखंड के साथ इसे भी राज्य बनाना तय किया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में 31 जुलाई को और राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 28 अगस्त को इसे मंजूरी दी। मध्य भारत के राज्यों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। तब आकार में ये देश का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन इससे अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना तो राजस्थान आकार में एक नंबर बन गया। मध्य प्रदेश के विधायकों की संख्या 320 से घटकर 231 हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में
1998 में छत्तीसगढ़ इलाके से कांग्रेस के 48 और भाजपा के 36 विधायक जीते थे। इस नाते नए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ की आबादी के अनुपात में, यहाँ के क्षेत्र के अनुपात में, यहाँ का राजस्व जो था, फाइनेंशियल एसेट्स थे, वो बेहतर स्थिति में थे। मध्य प्रदेश में स्थापना व्यय ज़्यादा था, यहाँ स्थापना व्यय कम रहा। प्रारंभिक दिनों से ही, जो पहला शासन काल रहा 2000 से 2003 का, इसने एक अच्छे फाउंडेशन को, एक अच्छे बुनियाद को आर्थिक आधार पर लगाया कि शासन ने एक बार भी उन दिनों में लोन नहीं लिया। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए लंबा संघर्ष चला। इसके पहले पैरोकार विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। अलग राज्य के पीछे तर्क था कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से ये मध्य प्रदेश से बहुत अलग है, इस नाते नए राज्य में ही इसका भविष्य निहित है। लगभग आज से 16 साल पहले एक साल में 200 से 300 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होते थे, और आज यहाँ पर 71,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनजीवन में एक बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा नया राज्य बनने के साथ ही अस्तित्व में आई। इसका पहला सत्र 14 से 19 नवंबर 2000 के बीच ऐतिहासिक राजकुमार कॉलेज में तंबू लगाकर संपन्न हुआ। इसी सत्र में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे पंडित राजेंद्र शुक्ल सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। संसदीय मर्मज्ञ राजेंद्र शुक्ल ने अपने कामकाज और परंपराओं से विधानसभा को बहुत गरिमामयी और ऐतिहासिक रूप दिया। वेल में जाकर व्यवधान करने वाले सदस्यों के स्वतः निलंबन का ऐतिहासिक नियम तभी बना। हम लोगों ने आपस ही सहमति से यह तय किया कि अगर कोई वेल में जाएगा तो स्वयमेव निलंबित माना जाएगा, और उसका एक बहुत अच्छा असर हुआ कि अब वेल में जाकर अड़चन अवरोध पैदा करना ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आप वेल में गए वैसे ही आप निलंबित हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये एक ऐसी परंपरा है जो इसी विधानसभा में है। तमाम ऐसी खास बातें हैं जिसने विधायी निकायों में छत्तीसगढ़ को खास बना दिया है। व्यवधान के बिना यहाँ अधिकतर चर्चा और वाद विवाद होता है। पहली विधानसभा में रखी गई बुनियाद और परंपरा का विस्तार होता रहा। विधायकों को मर्यादित रखने के इरादे से आचरण समिति गठित करने वाली ये देश की पहली विधानसभा है। आइए नजर डालते हैं पहली विधानसभा के कुछ खास कामों पर। व्यवधान रोकने को कड़े कदम उठाए गए, विधायकों के प्रशिक्षण और प्रबोधन पर जोर, आचार समिति का गठन, किसी भी प्रसंग में यहाँ मार्शल का उपयोग नहीं होता, विधानसभा में दिए 98% आश्वासन पूरे हुए, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की स्थापना हुई, संसदीय पत्रकारिता के उन्नयन का प्रयास हुआ। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे वो बहुत अनुभवी और संसदीय प्रणाली में जिनका बहुत अटूट विश्वास था, ऐसे अध्यक्ष यहाँ हुए, और राजनीतिक नेतृत्व भी स्थायी स्वरूप का रहा। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो निश्चित तौर पर राज्य प्रगति करता है, नई नई परंपराएं बनती हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे बने। उन्होंने सदन संचालन को गरिमामय रूप देने के साथ कई शानदार आयोजन किए। विधानसभा में 28 जनवरी 2004 को तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आगमन ऐतिहासिक घटना रही। विधानसभा के मुख्य प्रवेश के ठीक सामने डॉक्टर कलाम ने श्री मौल का जो पौधा रोपा था वो आज एक वृक्ष बन गया है। अब्दुल कलाम साहब
छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हमने आमंत्रित किया, उन्होंने विजन 2020 का हमारे विधानसभा में एक प्रस्तुतिकरण दिया। अद्भुत प्रस्तुतिकरण था छत्तीसगढ़ के बारे में कि विजन 2020 हमारे लिए सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, उसके बारे में उनकी एक सोच और उसकी प्रस्तुतिकरण, उसके क्रियान्वयन की दिशा में भी हमने शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य हो, शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए भी हमने कानून बनाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुई बेहतरीन चर्चाओं और कामकाज से उसकी ख्याति बढ़ती रही। सीमित कालखंड में इसने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया। 2005 में भारत के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का 70वां सम्मेलन इसमें खास है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी यहीं हुआ, जिसमें 16 देशों के 23 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधानसभा के प्रश्नकाल का रायपुर दूरदर्शन से रिकॉर्डेड प्रसारण भी 16 दिसंबर 2005 से आरंभ हुआ। उस एक घंटे के कार्यक्रम में हमारा बहुत जो एक तिहाई भाग है सुदूर अंचल में है, फिर ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा है। पहले लोग कुछ लोगों के नाम जानते थे, लेकिन 90 विधायकों को चेहरे से नहीं पहचानते थे। उस दूरदर्शन की प्रसारण ने हमारे 90 विधायकों की पहचान हर क्षेत्र में पहुंचाई और विधानसभा में क्वेश्चन और में उपस्थिति को भी बढ़ाया। तीसरी विधानसभा का गठन 11 दिसंबर 2008 को हुआ और धर्मलाल कौशिक नए अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में 24 जून 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पधारी। शानदार सेंट्रल हॉल का भी उद्घाटन हुआ और बाद में सामुदायिक भवन और कुछ दूसरे निर्माण हुए। इसी दौरान एशिया क्षेत्र का 4वां राष्ट्रकुल संसदीय संघ का सम्मेलन भी यहां हुआ। छत्तीसगढ़ की आत्मा के मर्मज्ञ राजेंद्र प्रसाद शुक्ल उसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये परंपराएं वहाँ से शुरू हुई और अब तक वो निर्बाध चली आ रही है। ये इस धरती की एक विशेषता रही है, यहाँ आज तक एक भी सांप्रदायिक दंगा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। तो ये इन सारी परंपराओं का एक बड़ा कारण जो है वो जो प्रतिबिंबित होता है, वो जो परिलक्षित होता है, वो विधानसभा के संचालन में और विधानसभा सदस्यों के आचरण में। चौथी विधानसभा 11 दिसंबर 2013 को गठित हुई और 6 जनवरी 2014 से गौरीशंकर अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष का कामकाज संभाला। हाल के वर्षों में विधानसभा जनता के और करीब आई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा केवल 90 सदस्यों की विधानसभा है, फिर भी हम 50 से 55 सीटिंग तक जो है छत्तीसगढ़ में करते हैं। अब यहाँ 400 के सदस्य है, वहाँ भी 40-45 सीटिंग होती है, तो सब सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता। संसदीय गरिमा मर्यादा और वाद विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण नियम पूरे देश के विधायी निकायों में लगातार चर्चा का विषय रहा है और वह है सदस्य के बेल में जाने पर उसका स्वतः निलंबन। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल और हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा पर। अपने सीमित कालखंड में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने तमाम इतिहास को रचा है, साथ ही साथ उसने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके बनने से राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 28 नवंबर 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। सदस्य अब हिंदी या छत्तीसगढ़ी में विचार रख सकते हैं, अनुवाद की व्यवस्था भी उपलब्ध है। विधेयकों पर सदन में गंभीर चर्चा होती है। विधानसभा ने अब तक 399 विधेयक पारित किए हैं, जिसमें से 121 मूल विधेयक हैं। आइए नजर डालते हैं विधानसभा से पारित प्रमुख विधेयकों पर। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक 2005, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक 2006, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक 2008, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा और पोषण विधेयक 2012,
छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक 2013। देश का सबसे बेहतर और सबसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलने वाला खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, जो खाद्य सुरक्षा के लिए देश का मॉडल है। 65 लाख परिवारों को यदि हम चावल, नमक और चना देने में सफल हुए हैं, तो ये विधानसभा की ताकत है कि उसने उसको कौशल उन्नयन को हमने अधिकार के रूप में लोगों को दिया कि कौशल उन्नयन हो और कौशल उन्नयन हमारे युवकों का अधिकार बने। तो एक बड़े परिवर्तन लाने के लिए इस विधानसभा को बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसकी शुरुआत की। हम जल्दी छत्तीसगढ़ को एक आकार दें, एक अच्छा राज्य बनाएं, तो इसलिए बेहतर समन्वय के साथ हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। जब हम तैयार हैं किसी भी मुद्दे में चर्चा के लिए, तो विपक्ष से असहमति हो नहीं सकती। विधानसभा ने विधायकों को दुनिया भर में बदल रहे परिदृश्य के अनुरूप जागरूक बनाने की कोशिश की है। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम से लेकर सदस्यों के निजी सहायकों के प्रशिक्षण के तंत्र को लगातार मजबूत बनाया गया है। संसदीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वर्कशॉप जैसे कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18 समितियां हैं। समितियों के माध्यम से सरकार की विधानमंडल के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है। हालांकि विपक्ष की राय है कि इनकी सिफारिशों पर और गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। विधानसभा की प्रमुख समितियां: कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, प्राकलन समिति, याचिका समिति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति, प्रत्यायुक्त विधान समिति। पंचायती राज को संबंध में और स्थानीय निकायों के संबंध में भी ये बात आई कि इनका भी ठीक से ऑडिट वगैरह हो करके और विधानसभा के समितियों के माध्यम से और इसका भी परीक्षण होना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है विधानसभा में रखा है नियम समिति के माध्यम से कि यहाँ पे भी स्थानीय निकाय पंचायती राज लेखा समिति का गठन हो। हमारे पास पहले से ही 3 वित्तीय समितियाँ हैं, ये चौथी कमेटी हमने और बना करके और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उपाय किया। जो सबसे पावरफुल कमेटी है वो PAC है। PAC में भी वरिष्ठतम अधिकारी आते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं, उनसे स्पष्टीकरण लिए जाते हैं, कई चीज़ों का निराकरण भी होता है, किंतु उस समिति की भी वही सीमाएं हैं कि वो भी एक तरह से अंत में उसका फैसला परामर्शदात्री ही रहता है। विधानसभा ने खुद को जमीनी स्तर पर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ जोड़ा है। सरकार की हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी विधानसभा के कामकाज को करीब से देखते हैं। पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ युवा पीढ़ी को भी यहां सदन की कार्रवाई देखने में दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमने एक ग्रूमिंग की यहां पर, और उस ग्रूमिंग के दौरान जो बहुत एक मुख्य बात जिसके ऊपर हमने एम्फेसिस किया कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ की जनसंख्या के ये 90 प्रतिनिधि और वो संसदीय प्रणाली में कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, और इसलिए इनके प्रति पूरा मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन एक सुंदर इमारत है। 2001 से यहीं बैठकें हो रही हैं। पहली विधानसभा के दौरान यहां गांधी जी की विशाल कांस्य प्रतिमा और 3 टन वजनी अशोक स्तंभ स्थापित हुआ। इसे और आंतरिक साज सज्जा को बस्तर और राज्य के दूसरे हिस्सों के कलाकारों ने आकार दिया। भवन में छत्तीसगढ़िया छाप साफ दिखाई देती है। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पास में ही आवासीय परिसर है। विधानसभा और आवासीय परिसर के साथ इसकी सुविधाएं 50 एकड़ के दायरे में विकसित हुई हैं। अलग अलग दौर में यहां ऑडिटोरियम, सेंट्रल हॉल, कमेटी रूम और कई नए निर्माण हुए। हम लोगों ने अपने विधानसभा के कर्मचारियों को
लोकसभा और राज्यसभा में नियमित भेजना प्रारंभ किया ताकि वहाँ की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, कैसे हाउस का संचालन होता है, और वो परंपरा अभी तक चालू है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशन में यहाँ एक व्यवस्थित तंत्र है। विधानसभा का पुस्तकालय राज्य के पुस्तकालयों में एक अलग पहचान रखता है। इसमें तमाम संसदीय संदर्भों के साथ पूर्व सांसद स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की स्मृति में एक अलग खंड है। सचिवालय ने 6000 शब्दों का छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दकोश भी तैयार किया है। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। चैम्बर और लॉबी की सुरक्षा विधानसभा का अपना बल देखता है। मुख्य प्रवेश द्वार और बाहरी सुरक्षा पुलिस के हवाले है। सचिवालय को हाईटेक बनाया जा रहा है। लेस पेपर कैसे विधानसभा में उसका कंसेप्ट बने, तो उसके लिए हमने विधानसभा का एक पोर्टल ई पोर्टल जारी किया, और ई पोर्टल में हमने जो है विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्येक जानकारी का जो है हम ई पोर्टल के माध्यम से उसमें सारी जानकारियों को अपलोड कर देते हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी हमारी कल्पना है कि लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी के तर्ज में छत्तीसगढ़ के विधानसभा की टीवी हो, ताकि सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के हमारे डिबेट का, छत्तीसगढ़ में हुए बातों का छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देखे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हाल के सालों में काया पलट गई है। नया रायपुर विश्व स्तरीय परियोजना के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ मंत्रालय या महानदी भवन और इंद्रावती भवन बन चुका है। अगले 3 सालों में रायपुर के विकास पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय होना है। यहाँ राजनीतिक स्थिरता के नाते विकास के तमाम काम हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बाद 7 दिसंबर 2003 से लगातार रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ कई मोर्चों पर देश में अव्वल हो गया है। छत्तीसगढ़ में विकास के कुछ खास बिंदु: खाद्य और पोषण सुरक्षा का कानूनी हक, युवाओं को कौशल विकास का वैधानिक अधिकार, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, बालिकाओं को डिग्री तक मुफ्त शिक्षा, जनवरी 2008 से बिजली कटौती से मुक्त राज्य। पिछले 16 सालों में अब देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है, और देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर है तो रायपुर शहर है। अब रायपुर शहर को जो 10 साल पहले लोग आते थे वो अलग पहचानते नहीं है कि रायपुर कितना तेजी से विकसित हुआ है। छत्तीसगढ़ मेरी दृष्टि से देश का सबसे धनाढ्य राज्य है, और सबसे धनाढ्य राज्य में अब भी बहुत गरीब लोग रहते हैं। उनके जीवन स्तर में वैसा परिवर्तन नहीं आया जैसा आना चाहिए था। छत्तीसगढ़ की आबादी का 32.46% आदिवासी और 12.20% दलित हैं। इनकी गरीबी अब भी चुनौती है, फिर भी मजदूरों का पलायन रुका है और कई दूसरे बदलाव भी दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व में देश में दूसरे और वन राजस्व में तीसरे नंबर पर आता है। आज ये पावर हब बन गया है। भारत की शान भिलाई स्टील प्लांट भी यही है। ये धान और दलहन उत्पाद में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ धान की 23,000 से अधिक किस्में हैं और धान उत्पादन 54 लाख टन से बढ़कर 110 लाख टन हो गया है। यहां किसानों को बिना ब्याज के कर्ज और 24 घंटे बिजली की सुलभता ने काफी ताकत दी है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ 67,000 सिंचाई के पंप थे, आज वो बढ़कर 3,78,000 सिंचाई के पंप हो गए। आज किसान को हम
जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 5-6 तक सिर्फ 66,000 क्विंटल बीज का पैदावार होती थी, अब हम 10 लाख क्विंटल बीज यहां पर तैयार कर रहे हैं। लेकिन तमाम सुधारों के बाद भी नक्सली समस्या सबसे गंभीर चुनौती है। राज्य के 27 में से 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं। 2013 में सुकमा के भयानक नरसंहार में यहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मारे गए। सबसे दुर्भाग्य आदिवासी समाज का ही है। अब छत्तीसगढ़ देश के सबसे ज्यादा प्रभावित नक्सली इलाकों में आता है। हमारे दक्षिण बस्तर के लगभग 900 गांव ऐसे हैं आदिवासियों के जो पूर्णतः खाली हो गए। सरगुजा पूरी नक्सल समस्या से मुक्त हो चुका है। बस्तर में भी हम काफ़ी शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़े हैं, और हमारा एक ही सूत्र है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। हम वहाँ सड़क का जाल बिछा रहे हैं। आज 4000 करोड़ की सड़क का काम वहाँ पे हमने शुरू किया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे काम कर रहा है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना हमने कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इस मसले पर गोपनीय बैठक कर राह निकालने की कोशिश की। तस्वीर बदल रही है तो भी चुनौती कायम है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य के बीच विधानमंडलों का संचालन आज बहुत आसान बात नहीं रह गई है, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने कई मानक स्थापित किए हैं, मील के पत्थर बनाए हैं, और सभा संचालन से लेकर समितियों के कामकाज तक में सराहनीय काम किया है। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास विधानमंडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।